लेकर सड़क तक एक और नई जंग देखने को मिल रही है। जाति जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष में खींचतानी का माहौल है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रुख तय करने के लिए कांग्रेस की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी ने पार्टी के दलित नेताओं के साथ मंथन किया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में वो अपना स्टैंड साफ करेगी। राहुल गांधी ने बैठक में जातीय जनगणना को बेहद जरूरी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर और चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर खड़गे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस के अंदर SC/ST आरक्षण में कोटे को लेकर दो राय है। कांग्रेस के ज्यादातर दलित और आदिवासी नेता इसके खिलाफ है। हालांकि तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने की बात कह चुके हैं। ABP न्यूज के मुताबिक कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन या स्पष्ट विरोध करने की बजाय इस बहाने जाति जनगणना के मुद्दे की मांग तेज करेगी, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। कांग्रेस को केंद्र सरकार के स्टैंड का भी इंतजार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता है। इस दौरान कोर्ट ने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। 7 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती हैं। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली ये कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती है, जबकि दूसरी ये होगी कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए।